इंडिया में स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने का बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर के लिए इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम केरला गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की है। राज्य सरकार की ये योजना एमएसएमई सेक्टर को अलग अलग तरह के रिस्क से बचाने पर फोकस करेगा। इस स्कीम के चलते एमएसएमई को कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि केरला सरकार ने स्कीम के लिए 4 गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। इस स्कीम की मदद से एमएसएमई सेक्टर को सस्ते में इंश्योरेंस कवरेज का बेनिफिट मिलेगा। वहीं एमएसएमई को 50% सालाना प्रीमियम का फायदा देगी। उन्हें 50% सालाना प्रीमियम का रिटायरमेंट राज्य सरकार की ओर से भी मिलेगा। इस योजना का मेन एजेंडा है एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना, इसके साथ ही रिस्क कवरेज भी कम करना, जिससे एंटरप्रेन्योर की तरफ से उनको प्रोत्साहित किया जा सके। इस तरह से केरल में माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज में मजबूती आएगी। देखिए, केरल सरकार की माने तो राज्य में अभी 3 लाख से ज्यादा एमएसएमई मौजूद हैं, जिसमें से करीब 1.40 लाख के करीब एमएसएमई राज्य सरकार की ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज इनिशिएटिव से जुड़े हैं। हालांकि उनमें से सिर्फ 15,000 एमएसएमई ही ऐसे हैं जिनके पास अलग अलग तरीके के जोखिमों के लिए बीमा का कवरेज है। वहीं राज्य सरकार इसके दायरे को बढ़ाना चाहती है। एमएसएमई के लिए शुरू की गई इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत नेचुरल कैलामिटीज, आर्सन, थीफ, एक्सीडेंट, मार्केट में उतार चढ़ाव जैसे रिस्क के लिए कवरेज मिलेगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एमएसएमई इस तरह के जोखिमों के कारण बीच में बिजनेस बंद करने पर लाचार हो जाते हैं। राज्य सरकार की ये बीमा योजना उनके लिए बिजनेस में बने रहना इंश्योर करेगी। स्टेट गवर्नमेंट ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और ट्रेड सेक्टर की कोई भी एमएसएमई जिनके पास केरल में एंटरप्राइज रजिस्ट्रेशन है, बीमा योजना का लाभ उठा सकती है। उसके अलावा भारत माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज स्कीम में एनरोल एमएसएमई को भी स्कीम का फायदा मिलेगा। तो अगर आप भी केरला में रहते हैं और अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं, तो देर किस बात की। ये स्कीम आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर्सनल लाइफ को जरूर सब्सक्राइब कर लें।